हेलो हेलो रचना जी, इस सबका क्या मतलब है? और आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला? हम यहाँ होंगे या आप कैसे जानते थे? ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते, आप तो सिर्फ इंसान। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? पहले आप बुलाते हैं, फिर इंसल्ट करते हैं, फिर भगाते हैं। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए रचना जी। इस वक्त मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त कर सकता हूँ कि प्लीज आप घर वापस आ जाइए और अपना काम पूरा कीजिए। इतनी बदनामी सहने के बाद आपको लगता है कि हम वापस आएंगे? हरगिज नहीं। मैं मानता हूँ रचना जी, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन उस घर को आपकी जरूरत है रचना जी। तो किसी और को बुला लीजिए ना, और हमसे हजारों बेहतर मिल जाएंगे आपको, जो उस पागलों वाली हवेली में काम करने के लिए रेडी हो जाए। आप सही कह रही, ढूंढने पर हजारों मिल जाएंगे, मगर जरा इस बच्चे की तरफ देखिए, इसके बारे में सोचिए। मैंने सालों से उसको खुश होते हुए नहीं देखा है, और सिर्फ उसी की खातिर मैं आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं। उस हवेली में ये घुट घुट कर जीता है, इसके संभलने तक प्लीज। देखिए, आपके बड़े भाई ने हमें धमकी दी है। वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम गारंटी देते हैं वो आपके आसपास भी नहीं आएंगे। चलिए ना माँ, देर मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको तंग नहीं करूँगा, आपकी हर बात मानूंगा, चलिए ना। हे अंकल, वैसे रोमियो के रोल में तुम अच्छे ही थे, गुड जॉब। उम्र सिर्फ एक नंबर होती है छेपू, अगर उसके बारे में ना सोचो ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे छेपू जैसे दिमाग में ये बात घुसना जरा मुश्किल। हे बेब, लेट्स गो एंड सेलिब्रेट, कम चलो। ये आदिवादी जैसे कार्टून मेरी गुंजन को मुझसे अलग नहीं कर सकते, कभी नहीं। जल्दी से खाना खा ले, वरना मैं तुझे इस खेल से इतना मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। खाना खा लो जल्दी से। चाहिए। इतने सालों में पहली बार मैं इस बच्चे को इतना खुश देखा। चलिए ना माँ, देर मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको तंग नहीं करूँगा। हेलो ललित जी, हम रचना बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए जी। हम कल आपके हवेली की रीस्टाइलिंग करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। मिस्टरों को हमसे जितना दूर हो सके आप प्लीज रखिएगा। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट। आप भैया की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ आप जिंदगी में कभी नहीं होगा, प्रॉमिस। मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ के पास जाना। लकी बेटा, मम्मा का फोन है, वो कल आ रही हैं। सच? हाँ। और अगर नहीं आई तो? आप प्लीज लकी को फोन दे सकते हैं? जी एक मिनट, लो बेटा बात करो। हेलो 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 लकी, प्लीज रोना बंद करो, तुम अच्छे बच्चे हो ना, एकदम गुड बॉय और समझदार बच्चे हो ना, और हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि कल हम तुमसे मिलने के लिए पक्का आ जाएंगे। पक्का प्रॉमिस ना? हाँ पापा पक्का वाला, लेकिन सिर्फ अगर तुमने रोना बंद किया तो ही ठीक है। अब अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ, गुड नाइट।
मेरी माँ आ रही है, मेरी माँ आ रही है, ये। लकी बेटा, ये आपके और हमारे बीच की सीक्रेट बात है, किसी को बताना नहीं। पर क्यों? क्योंकि अगर पापा को पता पड़ गया ना, तो फिर से मम्मा को बाहर निकाल देंगे जैसे आज निकाल दिया था, समझे? हाँ। ये हमारे राजा बेटा की और उसके चाचू की सीक्रेट बात है जो उन्हें छुपा के रखना है, ताकि उसकी मम्मा वापस आ पाए, है ना? Yes. Come hug me. कौन है? मैं पूछूं कौन है? कौन है? मैं पूछूं कौन है यहां? रिलैक्स मायांक, ये रचना भी दिखाई नहीं दे रही। दीदी एक काम करते हैं, उधर चलकर देखते हैं, शायद वहीं पर। हम यहाँ हैं। रचना हमें कुछ बताना चाहते हैं, बताओ रचना। हमें नौकरी मिल गई है। सच? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा। अब बेटा ये गुंजन कहाँ है? कुंजन आई थिंक शायद चेंज कर रही है। तुम यहाँ? तुम्हारे रूम से तुम्हारी आवाज सुनी तो चला आया। By the way, तुम ये नहीं पूछोगी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्यों आया? जब से तुमको देखा है, मेरी रातों की नींद, दिन का चैन, खाना पीना, सब कुछ, इवन दिन में तो मुझे तारे दिखाई देते हैं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे क्या हुआ है? पता नहीं। पक्का तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या हुआ? ओ, अच्छा सॉरी, तुम्हें कपड़े चेंज करने थे ना, मैं तुम्हारी बाहर वेट करता हूँ। ये सच है या सपना? बेटा तुम्हारी और गुंजन की जोड़ी ना बिल्कुल राम और सीता जी जैसी है। तुम्हारी जोड़ी स्टेज पर बहुत अच्छी लग रही थी। थैंक यू मैम। गुंजन, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे हुआ क्या? जाओ जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ। फिर तो शायद दिल के डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, शायद वो ही कुछ बता पाए कि मुझे हुआ क्या है। तुम पागल हो गए हो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। गुंजन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। रचना, आदि माय कॉलेज फ्रेंड, आदि रचना माय बेस्ट फ्रेंड। नमस्ते। चलो ना गुंजन, प्लीज सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। सॉरी आदि, लेकिन मुझे जाना होगा। आई सी यू लेटर, बाय। चलो गुंजन, मुझे सिर्फ यही पूछना था कि आज सुबह कॉलेज में चैलेंज तो हुआ है, उसमें मैम को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, वो ठीक है, बट थैंक्स फॉर आस्किंग। उसको बोलना अपना ख्याल रखे। Sure.
गुंजन बेटा, तुम दोनों तो आज छा गए बस। हाँ सचमुच, पता है ऐसे लग रहा था जैसे स्टेज जिंदा हो गया। थैंक यू सो मच, एक तो आप लोग ये प्ले देखने आए और आप लोगों को अच्छा भी लगा। थैंक सो सो मच। वो चेपू क्या कह रहा? माया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक तो वो बेचारा इतना स्वीट है, पता है अभी भी तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। उसने कहा है कि अपना ख्याल रखना, और तुम हो कि? मैंने जितना सोचा था ये चेपू उससे भी ज्यादा चालाक निकला। गुंजन बेटा, एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। वो क्या है ना कि तुम दोनों का प्ले बहुत ही अच्छा रहा और साथ में हमारी रचना को भी नौकरी मिल गई है। वाओ रचना, दैट्स ग्रेट। अब तो चलो हमारे साथ घर। आंटी जी, आई एम सो सॉरी, लेकिन पापा ने आज मेरे लिए डिनर बनाया तो मुझे घर जाना ही होगा। अच्छा। ओहो, अच्छा कोई बात नहीं। अगर हम सब ने ये सब कुछ पहले से प्लान किया होता तो गुंजन मौसा जी के साथ जा ही नहीं पाती। गुंजन बेटा, चलो लेट हो रहा है। कमिंग पापा। अच्छा मुझे जाना होगा। ओके बाय 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 बाय। हेलो पापा। सीमा, अपना दिल छोटा मत करो। रचना बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर गुंजन को हमारे इस प्लान का पहले से पता होता तो वो ये प्रोग्राम बनाती ही नहीं ना। पर ऐसा कब तक चलेगा? हमारी गुंजन कब अपने घर वापस आएगी? भैया रुकिए मत भैया, हमें कदम उठाना बहुत जरूरी है, और जरा फुर्ती से, इससे पहले कि कोई इस मौके का फायदा उठा ले। एक बात तो पक्की है कि गुंजन को बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, उसे बाहर लेकर जाइए डेट पे। ले कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। हेलो। हाँ हाँ जानती हूँ कि कोई मुझसे बहुत नाराज है, और ये भी जानती हूँ क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें ढंग से बाय नहीं बोला ना। लेकिन मैं क्या करती, तुम आदि के बारे में वो बातें कर रहे थे और... एक सेकंड, अगर तुमने मुझे उस छेपू के बारे में बात करने को फोन किया तो प्लीज मुझे बात नहीं करनी। अरे अरे रुको रुको, फोन मत कट करना। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है ताकि मैं तुम्हें थैंक यू कह सकूं। तुम्हारी वजह से ही प्ले इतने अच्छे से हुआ और सबके सामने मैं बिल्कुल नर्वस भी नहीं हुई, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, मुझे रोमियो का रोल प्ले करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यू वर द परफेक्ट जूलियट। और आई थिंक माना कि प्ले थोड़ा सा क्लासिक था, लेकिन इसकी जो एंडिंग थी ना वो थोड़ी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी, यू नो। मयंक, वही तो प्ले की खासियत है कि उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं है। और वैसे भी जिंदगी में भी कहां ऐसा होता है, हैप्पी एंडिंग्स थोड़ी ना होती है। लाइफ तो एक जर्नी है जिसमें दो प्यार करने वाले लोग जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव झेलते हैं, चाहे खुशी हो या गम, साथ रहते मजबूत रहते। यू नो मयंक, मैं भी किसी के प्यार में खो जाना चाहती हूँ। क्या? मैं? अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, घर पे मैं बस सोने लगा था। और तुम? नहीं नहीं नहीं, क्या क्या हुआ गुंजन? नहीं नहीं, मतलब कि मैं भी बस सोने जा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ गुंजन, मैं घर पे हूँ। एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट बातें इनकम्प्लीट रह गई थी, सोचा कि उनको पूरा कर लेता। गुंजन
लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो हेलो। हाँ मयंक बोलो। गुंजन मैं क्या चाह रहा था कि हम दोनों मिले। मैं तुम्हें थोड़ा जानू और तुम मुझे जानो। क्या है ना गुंजन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जल्दी बोलो और जाओ यहाँ से। जाओ कहाँ जाना है गुंजन, बोलो ना। अब नहीं नहीं मतलब सोने जाना है ना, इसलिए जल्दी बोलो। मैं क्या कह रहा था कि I really like you. और मैं तुम्हें सच सच बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें डेट पे ले जाना चाहता हूँ। डेट? हाँ डेट, यस डेट। कल शाम 7 बजे इंडिगो मूड, इंतजार करूंगा तुम्हारा। तब तक के लिए तुम सो जाओ और सिर्फ मेरे ही सपने देखना। क्यों ना हम कल 12 बजे कैंटीन में मिलते। कल आओगी ना 12 बजे? हाँ 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 कल मिलते, अभी बहुत देर होगी, तुम सो जाओ। ओके ठीक है, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट। बाय। यस 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 यस। अब आए ना गाड़ी लाइन पे, कल 12 बजे। Can't believe ये ड्रीम बॉय ने मुझे डेट के लिए पूछा। लकी 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 तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? भगवान कितना डरावना सपना था, वो शक्ल, वो पूरा माहौल, बाप रे। अगर हम किसी को बताएंगे तो कौन बिलीव करेगा हम पर? जॉब के लिए हाँ क्या कर, हमने सही तो किया ना। हे भगवान प्लीज अभी कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ ठीक कर दीजिए प्लीज। गुंजन तुमने तो आज स्टेज पे कमाल कर दिया। तुम और भैया कितने बेहतरीन जोड़ी लग रहे थे, एकदम एकदम परफेक्ट जोड़ी। थैंक यू रचना, सब लोग यही कह रहे थे कि मयंक और मैं स्टेज पे परफेक्ट कपल थे। गुंजन जीवन और स्टेज में ज्यादा फर्क नहीं होता। ओहो क्या बात है मिस शेक्सपियर, आज बहुत पोएट्री छलका रही है। चलो आज रात नींद अच्छे से पूरी करनी है हमें। क्यों? क्योंकि कल कल जिंदगी हमें गले लगाने वाली है। करेक्ट, कल से जिंदगी कुछ करके दिखाने वाली है। ओके देन विश यू अ गुड लाइफ। सेम टू यू कुंजन,
बाय, गुड नाइट। हम तो यहाँ पहली बार आए हैं और मजाल आपने की है इस बच्चे से ऐसे बिहेव करके। नहीं, कभी नहीं, मैं उस लड़की को अपनी जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगा, कभी नहीं।